किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे में दिन गुजारता रहा था। एक दिन एक मगर उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। बंदर ने पूछने पर मगर ने बताया कि वह वहां खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर भूत से मीठे फल मगर को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन बात बात में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी के उस पार उनके घर में रहती है। तब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिया। इस तरह मगर रोज 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 जी भर कर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगर पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मगर दावत के बहाने बंदर को अपने पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। नदी बीच में उनके उसने बंदर को अपनी पत्नी को कलेजा खाने वाली बात बता दी। इस तरह पर बंदर ने कहा कि वह तो अपना कलेजा पेट भर भर ही छोड़ खाया है, पेट पर ही छोड़ आया है। वह उसे फिकाजत से पेड़ पर रखता है, हिफाजत से वो उसे पेड़ पर रखता है, इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर कहा कि आओ मूर्ख राजा, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकालकर अलग रख सकता है? बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।